जियो फाइबर बोलो, जियो फाइबर किसी भी घर में जियो फाइबर लगवा लो भैया, 825 रुपए। सो गाइस, जियो ने अपना जियो फाइबर लॉन्च कर दिया है, उसके सारे प्लान्स बाहर आ गए। तो चलिए फटाफट समझते हैं किस प्लान में क्या चीजें मिलने वाली है और क्या जियो ने फाइबर को लाके दुनिया में तहलका मचा दिया या जियो एक सुपरस्टार जो है वो जियो फाइबर की फ्लॉप फिल्म में आ गया। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वॉचिंग सेट टॉक। गाइज, जब आप जियो की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे इन्हें सारे प्लान्स लिस्ट कर दिए हैं कि कौन कौन से प्लान जियो फाइबर में आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे 6 अलग अलग प्लान दिखाए जाएंगे, एक है ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, टाइटेनियम। तो यहाँ पे आप रेट्स देखेंगे, प्राइस देखेंगे तो 699 से स्टार्ट है और 8499 तक गया है। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है, सारे प्लान प्रीपेड हैं। आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि आपको पहले पैसे देने हैं ब्रॉडबैंड में, बाद में आप जितना चलाएंगे उस हिसाब से बाद में बिल आता था और उसके बाद आपको पे करना रहता था। लेकिन यहां पे सारे प्लान प्रीपेड है, यानी कि पहले ही आपको मंथली का पैसा देना है। जैसे आप मोबाइल में प्रीपेड रिचार्ज कराते हैं, उसके बाद ही आपको सर्विस मिलती है। अब यहां पे आप देखेंगे तो आपको लग तो रहा होगा कि 699 है, 849 है, बट आप बहुत नीचे आएंगे तो इन्हें छोटे से में लिखा हुआ है कि जीएसटी एडिशनल है सारे प्लान के ऊपर एस एप्लीकेबल, यानी कि 18% का जीएसटी फ्लैट लगेगा सारे प्लान में। अब मैं पहली बार देख रहा हूं कि अगर कोई ऐसा बोले कि मुझे 100 रुपए का प्रीपेड रिचार्ज करना है तो मुझे मतलब 18% अलग से देना है। यहाँ पे प्रीपेड मतलब ही होता है कि आप टोटल अमाउंट बताओ कितने रुपए का मुझे रिचार्ज करना है, लेकिन जब आप इसमें जीएसटी ऐड करेंगे तो ये जो प्लान्स निकल के आएंगे वो इस हिसाब से आएंगे। पहला प्लान आएगा उसका 824.82 का, तो जब भी आप इसका रिचार्ज कराएंगे तो आपको ये अमाउंट पे करना है। दिखाने के लिए ये है, लेकिन 18% के हिसाब से ये बनता है। अब अपन समझते हैं किसमें क्या मिलता है। तो देखो, ब्रॉन्ज में आएंगे तो 824.82 रुपए आपको जीएसटी के साथ देना है। इसमें इन्हें लिखा हुआ है स्पीड कितनी मिलेगी, तो 100 Mbps इन्हें अप टू लिखा है, ये मैक्सिमम स्पीड है। अब मिनिमम नहीं पता, जब जियो आया था तब हमको 60 Mbps फोन पे मिल जाती थी, लेकिन जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते गए हमारी स्पीड ड्रॉप होती गई। तो ये अप टू बता रहे हैं कि 100 Mbps तक मिलेगी, तभी पता चलेगा कि जब हम स्पीड टेस्ट करेंगे तो हमको कितनी स्पीड आ रही है। अब यहां पे आप डेटा देखेंगे तो पहले हमको लग रहा था कि इसमें अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, कोई FUP नहीं रहेगा, लेकिन यहां पे इन्होंने बता दिया है कि अनलिमिटेड तो लिख दिया है, लेकिन यहां पे FUP आ गया है कि 1 Mbps हो जाएगी आपकी स्पीड इतना डेटा यूज करने के बाद। यहां पे आप अगर जियो 4G यूज करते हैं प्रीपेड सिम, तो यहां पे आप आएंगे 4GB पर डे वाला इनका एक पैक है जिसमें 509 रुपए जो है वो जीएसटी के साथ है, तो 509 के अंदर ये 112 GB दे देते हैं। तो मुझे अब ये कोई बताए कि अगर मैं इनका ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेता हूं जिसमें मुझे 824 रुपीज देना है, उसमें अगर मुझे 100 GB मिलेगा तो यहां पे तो मुझे 100 GB डायरेक्टली मिल जाता है 28 डेज के लिए 509 रुपए में। तो मेरे लिए तो ये वाला प्लान अच्छा रहा, लेकिन बस इसमें एक दिक्कत है कि आपको 4 GB पर डे मिलेगा, लेकिन यहां पे जो 100 GB मिल रहा है ये आप एक दिन में भी खत्म कर लो या पूरे 30 दिन तक चलाओ। तो यहां पे ये चीज इसमें प्लस हो जाएगा। उसके साथ यहां पे देखेंगे एक्स्ट्रा जीबी दिया हुआ है कि 50 GB एक्स्ट्रा इसमें है, 200 GB एक्स्ट्रा है। तो ये जो एक्स्ट्रा जीबी है इसकी भी इन्हें छोटे से में टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है कि अवेलेबल रहेगा 6 मंथ तक एज ए इंट्रोडक्टरी बेनिफिट। अब ये नहीं पता कि क्या ये मंथली मिलेगा या टोटल उसकी वैलिडिटी बताइए 6 मंथ। तो इन्हें टर्म्स एंड कंडीशन का भी यहाँ पे कोई ऐसा पेज नहीं दिया जिसमें एक एक चीजें सही तरीके से बताई जाए। अब देखते हैं उसके बाद और हमें क्या क्या मिलता है। तो वॉइस फ्री मिलती है, तो उसके साथ एक लैंडलाइन कनेक्शन भी दिया जाएगा जिसके थ्रू आप फ्री में वॉइस कॉलिंग कर पाएंगे किसी भी नंबर पर, किसी भी नेटवर्क पर 24/7। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि टीवी वीडियो कॉलिंग होगी जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड है, उसके साथ गेमिंग इंक्लूडेड है, फिर होम नेटवर्किंग कर सकते हैं, डिवाइस सिक्योरिटी में आपको नॉर्टन का एंटीवायरस दिया जाएगा, उसके साथ ये VR एक्सपीरियंस, प्रीमियम कंटेंट, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ये सब कुछ बड़े वाले प्लान्स के लिए। तो घुमा फिरा के बोले तो भैया ये मेकअप वाली चीजें, इस हिसाब से इनके सारे प्लान्स इनने बनाए हैं, अलग अलग नाम दिए गए। अब यहां पर आप और नीचे आएंगे तो यहां पर इनने चीजें बताई हैं कि इसके साथ आपको वेलकम ऑफर अगर आप लेते हो तो उसके साथ आपको टीवी फ्री मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बहुत सारी चीजें लॉन्च हुई थी। ये सब पता चलेगा जब आप नो मोर पे जाएंगे, बट उसके पहले यहां पे भी देखिए छोटा सा कुछ लिखा हुआ है कि आपको 1 टाइम पेमेंट चार्ज देना है जिसके अंदर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है और नॉन रिफंडेबल इंस्टॉलेशन अमाउंट है, यानी कि आपको 2500 रुपए पहले देने पड़ेंगे अगर आपको ये लगवाना है आपके घर पे, जिसमें से 1500 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा, लेकिन 1000 रुपए यहां पर इंस्टॉलेशन चार्जेस है जो कि आपको देने पड़ेंगे जो कि नॉन रिफंडेबल है। अब यहां पर आप नो मोर पे क्लिक करेंगे तो यहां पर एक एक चीज बताई गई है किस प्लान में क्या मिलने वाला है। अब यहां पर देखिए, यहां पर वेलकम ऑफर
ऑफर एक तरह से देखें तो प्रीपेड वेलकम ऑफर है। तो ये एनुअल प्लान आपको मतलब साल भर का एक साथ पैसा देना है तभी आपको ये सारी सर्विसेज मिलेंगी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं एनुअल प्लान में अगर आप 8,388 रुपये देते हैं, अब देखो 699 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे दो दो लाइन ऊपर नीचे हर तरफ लिखी हुई है। अब मैं कितना भी जूम कर दूँ मुझे ये क्लैरिटी के साथ नहीं दिख रहा है कि लिखा क्या है। तो यहाँ पे मैंने बहुत गौर करा तो मुझे पता चला कि इनका मंथली लेंटर अगर 699 है तो उसके नीचे इन्होंने लिखा है जीएसटी एडिशनल ऑन ऑल प्लान एस एप्लीकेबल, मतलब इसमें 18% आपको अलग से ऐड करना है। तो अगर हम 8388 को 18% से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतने रुपए हमको अलग से और देना है जीएसटी का। तो टोटल मिला के जो हम रिचार्ज करेंगे साल भर के लिए वो करेंगे 9,897 का। ये मिनिमम प्लान की बात कर रहे हैं, सबसे छोटा प्लान जियो फाइबर का। तो यहाँ पे ये हो गया, इसके साथ आप 2,500 रुपये और ऐड कर दो क्योंकि आपका इंस्टॉलेशन और सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो टोटल आपको 12,370 रुपये देना है इनके सबसे छोटे प्लान को यूज़ करने के लिए साल भर के लिए। इसके साथ वेलकम ऑफर में और भी चीज़ें ने बताई कि आपको मॉडम फ्री मिल जाएगा, सेट टॉप बॉक्स फ्री मिल जाएगा। तो देखो जियो होम गेटवे मतलब हो गया मॉडम जिसमें इनका वायर आएगा नेट कनेक्शन का जो कि वाईफाई क्रिएट करके देगा। उसके साथ इनका सेट टॉप बॉक्स एक अलग चीज़ है जिसके अंदर इनने और चीज़ें बताई हैं, जो जो चीज़ें इसमें चलेंगी गेम्स हैं मूवीज हैं तो वो सारी चीज़ें सेट टॉप बॉक्स में चलेंगी जो कि टीवी से कनेक्ट होगा। और इनका जो होम गेटवे है वो जो कनेक्ट होगा वो डायरेक्टली आपके मॉडम की तरह ट्रीट होगा और वाईफाई के सिग्नल्स निकाल के देगा। तो ये चीज़ें हैं और इसके साथ इनने बताया कि यह स्पीकर फ्री मिलेगा में। तो 12,000 रुपए के आसपास दोगे तब ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और इस साल भर के लिए मिलने वाले। अब अगर 3 महीने बाद सर्विस बंद भी होती है तो आपने तो साल भर का पैसा दिया है तो अब आप तो फंस गए हो साल भर के लिए। इसी तरह सिल्वर में जाएंगे तो इन्हें स्पीकर थोड़ा बड़ा कर दिया है। तो बाकी जियो गेटवे और जियो सेट टॉप बॉक्स तो कॉमन है, यहां पे देखेंगे तो 10,188 रुपए आ रहा है, इसमें 18% और ऐड कर लो तो यहां पे बताई गई है 24 इंच आपको एचडी टीवी मिलेगी। अब यहां पे फुल एचडी नहीं लिखा है लेकिन यहां पे छोटे से में लिखा हुआ है एमआरपी 12,990 रुपए। तो ये टीवी यहाँ पे दी जा रही है जो कि 24 इंच है गोल्ड के साथ। अब यहाँ पे और गौर करिएगा, यहाँ पे प्लान है 1299 का लेकिन अब यहाँ पे जो अमाउंट दिखाया जा रहा है 31,000 रुपये ये एक साल का नहीं है। तो भैया जो टीवी है वो तो सिर्फ उन्हीं को देंगे जो 30,000 रुपये इकट्ठा पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे इन्हें लिख दिया ऑन 2 ईयर एनुअल प्लान, यानी कि अगर 2 साल का प्लान खरीदते हो तब जाके आपको 2 साल का एडवांस पेमेंट करना है इस प्लान के लिए और ये टीवी फिर आपको दी जाएगी। डायमंड में जाओगे तो वही टीवी है बट यहाँ पे सिंगल साल के लिए आपको 30,000 रुपये देना है। इसी हिसाब से प्लेटिनम पे जाओगे तो 47,000 रुपीज़ देना है एक साल का इकट्ठा, उसमें आपको 80 सेंटीमीटर की टीवी मिलेगी। यहाँ पे 22,990 रुपये लिखा है 32 इंच, लेकिन हमको पता है 12-13-14,000 के आसपास 32 इंच एचडी टीवी आ जाती है। इसी तरह टाइटेनियम पे जाएंगे तो जो वहाँ पे बोल रहे थे कि 4K टीवी मिलेगी, 4K सेट टॉप बॉक्स मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा पता नहीं क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आएंगे तो वो टाइटेनियम के प्लान में जो कि मंथली आपको 8,499 का लेना है जिसमें अभी जीएसटी मैंने ऐड नहीं किया है। तो इनके हिसाब से साल भर का पेमेंट बनता है 1,00,000 रुपये के आसपास, इसमें आप और ऐड कर दो 18% तो उसके बाद जो पेमेंट निकल के आएगा पता नहीं कितना आएगा, उनको ये टीवी मिलेगी 4K 43 इंच जिसकी प्राइस बता रहे हैं 44,000। तो घुमा फिरा के बोलें तो भैया ये प्लान है, अब इस प्लान के अंदर इनने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि किसके अंदर क्या मिलने वाला है कैसे मिलने वाला है और इनके टोटल इतने प्लान हैं। अब ऐसा मत समझना कि मैं सिर्फ नेगेटिव बोल रहा हूँ, जब जियो फोन इंडस्ट्री में आया था तो उसने पूरा तहलका मचा दिया था, बाकी ऑपरेटर को भी प्राइस कम करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइस थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि 700-800 रुपये में अगर आपको 100 GB मंथली दिया जा रहा है तो बहुत सारी कंपनी और हैं इंटरनेट कनेक्शन वाली ब्रॉडबैंड कनेक्शन वाली जो कि आपको ज़्यादा डेटा देती हैं। अभी देखो आपके एरिया पर डिपेंड करता है, स्पीड पर डिपेंड करता है, आपके पैसे भी डिपेंड करता है, तो आपका पैसा है तो सही जगह लगाओ। तो मेरा काम था आपको सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ बताना जो कि जियो यहां पे छुपा रहा है पहली बार, पता नहीं क्यों डर रहा है या फिर उसको पता है कि चीजें छुपाएंगे और कुछ बताएंगे और कुछ निकलेगा तो ज्यादा पब्लिसिटी होगी, पता नहीं। अब यहां पे भी आप देखिए एनुअल सब्सक्रिप्शन लिखा है OTT एप्स का, अब यहां पे कहीं भी आपको साइट पे नहीं मिलेगा कि OTT एप्स कौन कौन सी हैं, क्या ये Z5 है, क्या नेटफ्लिक्स है, क्या प्राइम है, क्या है, तो ये नहीं बताया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें छुपाई जा रही हैं, हो सकता है पहला दिन है, पहली लॉन्चिंग है, तो अभी हो सकता है कि सारी चीजें अपलोड नहीं हुई हो, देखते आने वाले दिनों में और क्या क्या चीजें आती हैं, क्या नहीं टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं, प्लस पॉइंट भी होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीजें छुपाएगा जियो तो वो भी आपको बताऊंगा। तो सारी चीजें आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से साथ सिट टॉक पे मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
एक चीज और आपने गौर करी होगी, यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे बता रहे हैं सारे प्लान्स, उसके बाद यहाँ पे जो जियो फाइबर जो वेलकम ऑफर है वो यहाँ पे एनुअल बता रहे हैं, 6 मंथ बता रहे हैं, 3 मंथ्स बता रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट है क्योंकि इनने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लिखी है कि क्या 3 मंथ से कम कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ये तो प्रीपेड है तो आपको 3 महीने का इकट्ठा पैसा देना है, फ्री आप यूज कर पाएंगे। 6 मंथ में भी वही चीज़ है, एनुअल में भी है, तो शायद ये मंथली अभी नहीं दे रहे हैं, ये मिनिमम 3 मंथ लेने को बोल रहे हैं, बट मैं कन्फर्म नहीं हूँ क्योंकि कहीं टर्म्स एंड कंडीशन का पेज ही नहीं है। बट अभी यहाँ पे मेन चीज़ है कि क्या मैं जियो का फाइबर लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं, तो बस ये आपके ऊपर है। आप पहले आपके एरिया में देखो, आप पहले तो ब्रॉडबैंड यूज करते भी हो कि नहीं, पहले तो ये समझो। मतलब जियो ने ब्रॉडबैंड लॉन्च कर दिया तो बैठे बैठाए लगाने मत फिरो, पहले देखो कि आपको क्या नेसेसरी है। नहीं है तो जियो के खुद के प्लान है प्रीपेड के, जो मोबाइल में जीएसटी के साथ है, यहां पे लेकिन जितने प्लान है ये सब जीएसटी एक्स्ट्रा है। तो यहां पे अगर यही लगा लोगे तो आपको 100 GB तो यहीं मिल गया, लेकिन वही है कि पर डे 4 GB है, लेकिन आपको ब्रॉडबैंड ही लगवाना है तो पहले आप इसके प्लान देखो, स्पीड देखो, डेटा देखो, और भी बहुत सारे दूसरी कंपनीज है उसमें भी आप ट्राई करो, बाकी कंपनी क्या अच्छा दे रही है, क्या ज्यादा जीबी दे रही है, ज्यादा स्पीड आ रही है। तो अब आपके ऊपर आपका पैसा है, आपको कहां लगाना है वहां लगाइए। ऐसा मत समझिए कि जियो है तो ये है वो है, मतलब जियो फाइबर चाहता तो बहुत सारी चीजें कर सकता था, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन और बहुत सारा घुमा घुमा के जो चीज निकल के आई है वो ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ एक्सक्लूसिव है, यानी धमाका कर दिया इंडस्ट्री में, बट कुछ ना कुछ है। आप देखते हैं, चलो अभी स्टार्टिंग है, लॉन्चिंग है, वेलकम ऑफर है, आगे जाके और कंपनियां कॉम्पिटिशन देंगी तो हो सकता है इनके प्राइजेस कम हो या ये भी डेटा बढ़ा दें, तो वो सब आने वाले दिनों में चलेगा। लेकिन बस मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि भैया जब भी आप ये जियो फाइबर लो तो पहले देख लेना, सोच लेना, समझ लेना, साल भर का 2 साल का पैसा इकट्ठा देने के पहले ही सोच लेना कि 2 महीने बाद कुछ भी होता है तो आपने साल भर के लिए आप बंद गए हो जियो के साथ। तो ये लोग शायद वो भी चाह रहे हैं कि इकट्ठा पैसा मिलेगा तो सर्विस सही देंगे क्या होगा, क्योंकि अभी नई चीज आई है, अब समझना पड़ेगा कितनी स्टेबल है, कितनी रिलायबल है। मेरे पास अभी नहीं मिला है मुझे, तो जब मिलेगा तब भी मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा। तो जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो आपके सारे दोस्तों के साथ जो कि ब्रॉडबैंड लगवाना चाहते हैं या आपसे पूछते हैं भाई जियो का फाइबर आ गया कैसा है। तो सारी चीजें मैंने आपको रिसर्च करके एक एक चीजें सटीक तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको सिट टॉक पे बताई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करिए। और अभी भी आपका कोई डाउट है जियो फाइबर से रिलेटेड, लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए, क्या चीजें, वो सब नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसी तरह और नॉलेजेबल और ट्रस्टेड टॉपिक के लिए सिट टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो आई होप you like this video. Thank you.